क्यों मैम साहिबा, कम से कम आज के दिन तो आपका सुपुत्र सही वक्त पर आ गया है ना, या फिर आने ही वाला नहीं है? आप फिकर मत करो, आ जाएगा। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर का काम छोड़कर अपने तड़ीपार दोस्तों के साथ दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है तुम्हारा सुपुत्र। ओ जी, उसकी उम्र में आप भी वैसे ही थे, मुझसे शादी करने के बाद सुधर गए। माँ, खाना रेडी है क्या? ए, कितनी बार कहा है तुझे, पापा के आने से पहले तुझे घर में होना चाहिए, जा। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। अरे, नया फोन लिया है क्या? आज दोपहर में लिया माँ। वही नंबर है? नहीं, नया नंबर लिया है माँ, कल एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या है माँ? थोड़ा अलग बनाया है, कोरमा। टेस्टी है ना? चुपचाप खा। पालू को जल्दी से उठाकर तैयार होने के लिए बोलो, मुझे ऑफिस में छोड़कर कार को सर्विसिंग में ले जाना है। ओ जी, कह रहा था रात को सपने में आप चिल्ला रहे थे, जल्दी से तैयार होके कहीं बाहर चला गया। बेकार में आवारा गर्दी करने के बजाय मेरे ऑफिस में आकर कुछ काम कर लिया करे। ओह नमस्कार, दादी कैसी हैं? ठीक है सर, थैंक्स। हाय वेंकटेश, एक मिनट में आया। पालो सर। वेंकटेश, कैसे हो भाई? ओह भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अपना ख्याल रखना। सर, आप 2 साल से हर महीने मुझे पैसे दे रहे हैं, आपको मैं कभी बोझ नहीं लगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, मेरा नंबर ना चेंज हो गया। अच्छा? तुमको लिख कर देता हूँ। ऑटो। अच्छा, चलता हूँ। ऑटो बालू, मुझे 500 रुपए देना यार। अरे अशोक, कल ही मैंने ये नया मोबाइल खरीद लिया यार, पैसे कल दूं चलेगा? वैसे तुझे पैसे किस लिए चाहिए थे? तू पहले दे फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है। राजा, तेरी लव लाइफ कहाँ तक पहुँची? यार बालू, मेरी आइटम मेरी तरफ देखती नहीं यार। पता नहीं ये लव का फॉर्मूला क्या है। ए, अरे बहुत पापा वेट कर रहे होंगे, चलो चलता हूँ। बाय। चलो बाय यार। ठीक है, बाय बाय। ए राजा, अशोक मोबाइल से फोन मत करना, पीसीओ से फोन करना। ओके? हाँ पता है रे मुझे, तू जा। ओके ओके, चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। ए, फोन नहीं किया। अबे फोन किया था लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ ऐसा क्या? ए, ये ऑटो किसकी है? 427, यही ऑटो है। चलो चलो रे। ए, गाड़ी साइड में कर, कर साइड में, रोक बोला ना, साइड में कर। कौन है ये लोग? पता नहीं बालू। ए, ए, पैसे क्यों नहीं भरे अब तक? सर अगले महीने दे दूंगा सर। सर ऑटो की चाबी दे दीजिए। चाबी दो। निकल निकल से। ए धक्का क्यों मार रहा है तू? एक महीने वापस करेगा उसने बोला ना। ए तुझे क्या प्रॉब्लम है रे? कौन है तू? हाँ चल निकल यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए सर। ए निकालो गाड़ी को। ए चाबी वापस कर दे। नहीं दूंगा तो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? तू मुझे ठीक से जानता नहीं है। ए चल गाड़ी निकाल। ए कान खोल कर सुन लो, कमिटमेंट है अगले महीने पैसे मिल जाएंगे, अगर उसके पहले तुम में से कोई भी इसके आसपास दिखा ना तो टांगे तोड़ कर रख दूंगा। चल निकल। ए, निकल। हेलो राजीव, मैं धनराज बोल रहा हूँ। हाँ धनराज बोलो। लैंड ओनर से बात कर ली है? वो आज रात को ही बेंगलोर आ रहा है। अगर तुम भी आ जाओगे ना तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, अगर सारे पेपर सही होंगे तो एडवांस दे देंगे। ठीक है तो मैं आज ही निकलता हूँ। ओके राजीव। बालू मैं तुझे पिताजी के साथ बेंगलोर भेज रही हूँ, दोनों संभल कर जाना। माँ मैं अकेले ही जाता हूँ ना। आगे जाकर सारा काम तुझे ही संभालना है, इसलिए अभी से सारा काम सीख ले। माँ पापा के साथ और मैं? ना 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 बिल्कुल नहीं। अरे
हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, पता नहीं कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ यार। वो 500 रुपए देना यार, बहुत जरूरी काम है। यार इतना परेशान क्यों हो रहा है? देख, आज रात में पापा के साथ बैंगलोर जा रहा हूँ, वापस आकर दे दूंगा, ठीक है? क्या रे, मैंने जब हेलो हेलो किया तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया और तेरी आवाज सुनते ही बोलना शुरू कर दिया। अरे माँ, नया फोन है ना, इसीलिए आपको आवाज नहीं आई होगी। मुझे उल्लू बनाता है। जल्दी से तेरी शादी करवा दूंगी ना, तभी तो सुधरेगा। हेलो हेलो, मैं प्रिया का पिताजी गणेश बात कर रहा हूँ। हेलो पापा। हेलो बेटा, तो तुम घर कब आ रही हो? कल मैं श्वेता के घर रामनगर जा रही हूँ, वहाँ उससे मिलकर परसों आ जाऊंगी पापा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। ये मेरे मित्र हैं, हेलो मिस्टर आनंद, नाइस टू मीट यू। और ये मिस्टर बालू हैं, ये मेरा बेटा बालू, यही जमीन के मालिक हैं। एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। ओके, अच्छा उस कॉर्नर से ना, वहाँ से वहाँ तक सर, वो बिल्डिंग है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो घर है ना, वहाँ से इस बाउंड्री तक, उस घर तक, वहाँ तक। यार राजीव, पेपर तो इनके नाम पर ही है, फिर भी एक बार वकील को दिखा देते हैं। अच्छा, वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, चलो चलो। नहीं नहीं, तुरंत पानी मत पिलाओ। देखो, बेहोशी की हालत में तुरंत पानी पिलाने से लंग्स के चोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हेलो, उठाओ इनको। सर सर सर, सर रिस्क मत लीजिए, बेकार में पुलिस केस हो जाएगा सर। वो सब छोड़िए, उठाइए इनको, हाथ लगाइए। हाँ बालू, हम अपने शहर में तो है नहीं, ये नहीं। कौन है हमें पता भी नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं पापा, हाथ लगाओ इनको, आराम से हॉस्पिटल चलो जल्दी। अरे वो फोन ही नहीं उठा रहा है। सिस्टर, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। देखिए सर, क्या हुआ इन्हें? रोड में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। ये पुलिस केस है, पुलिस के आने तक हम इसे छू भी नहीं सकते। सर आप एक बार देख तो लीजिए ना, किसी का अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकता है सर, उसके लिए किसी पुलिस कंप्लेंट की जरूरत नहीं होती सर। और ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का है सर, अगर आप इलाज शुरू करेंगे तो इसकी जान बच सकती है सर। प्लीज सर, डू इट सर। हेलो दामाद जी, जल्दी आ जाइए, हम यहाँ हॉस्पिटल में ही हैं। डॉक्टर पैसे भरने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके दामाद का दोस्त बोल रहा हूँ, कहिए ना सर। दामाद जी को जल्दी आने के लिए कहिए सर, हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं सर। कौन से हॉस्पिटल में? राजलक्ष्मी हॉस्पिटल सर। ओके। यहाँ शंकर जी कौन है? मैं हूँ सर। आप हैं? दामाद जी नहीं आए क्या? नहीं। पैसे कितने भरने हैं? 20,000 रुपए सर। ओके, ये 20,000 रुपए हैं, भर दीजिए। सर हाँ? मेरे पति कब आएंगे सर? जल्दी आ जाएंगे। हाँ। मंजुला, मैं हूँ, आइए आराम से। ए भगवान। सर मेरे दामाद जी को फोन करके जल्दी आने के लिए कहिए। सर क्या क्या हुआ सर? लगता है मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। आपके पास फोन है तो दीजिए ना प्लीज। हाँ एक मिनट सर। हेलो सर, सर मेरा मोबाइल गिर गया था, आप कहाँ हैं बताइए ना, मैं आकर ले लूंगा। सर मैं अभी शिवमुख जा रही हूँ, शिवमुख से रामनगर जाऊंगी, कल रामनगर आकर फोन ले लीजिएगा, मैं एड्रेस दे दूंगी। थैंक्स मैडम। ओके
एक कॉल और करनी है मुझे। हाँ कीजिए सर। हेलो पापा। कहाँ चला गया बेटा, हम लोग यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। आप चले जाइए, मैं कल सुबह बस से आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। शंकर जी आप कहाँ रहते हैं? हम शिवमुख के पास वोडलूर में। अपना मोबाइल नंबर दीजिए ना। अरे मेरे पास मोबाइल नहीं है सर, वो तो मेरी बेटी का मोबाइल है। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना नंबर दे दीजिए, कल ही मैं आपको फोन कर लूंगा। ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी सर। श्वेता, श्वेता। हाय प्रिया। हाय। लो बैग दो मुझे। अरे रहने दे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, दे दे मुझे, आ जा अंदर आ जा। और बता घर पे तेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा सब अच्छे हैं। अभी वहाँ गई नहीं, डायरेक्ट यहीं आ गई। ओ ए, ये क्या है, तूने नया फोन लिया क्या? अरे मेरा फोन नहीं है ये। तो फिर? आते वक्त रोड पर पड़ा मिला, फिर किसी का कॉल आया कि उसका फोन खो गया है। मैंने उससे कहा कि कल रामनगर आके कॉल करना और ले जाना। इस मोबाइल में बैलेंस है कि नहीं, तूने खत्म कर दिया ना? हे क्या यार, इस फोन के मालिक ने फोन में एक रुपए भी बैलेंस नहीं रखा है। ए प्रिया, ये ले उस मोबाइल का चार्जर भी मिल गया, तू इसे लेके चली जा, तेरे काम आ सकता है। थैंक्स। ओके चलती हूँ, बाय बाय। सुन, जाते समय तू पापा के साथ में गया था, आते वक्त तेरे पापा अकेले कार में आए और तू बस से आया। तेरे पापा यहाँ आकर चिल्ला रहे थे, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ तो तुझे क्या जरूरत थी हॉस्पिटल जाने की? माँ, किसी की हेल्प करने से मेरे दिल को खुशी मिलती है। माँ पापा चिल्लाएंगे इस बात का आप टेंशन मत लो, इस दुनिया के सारे बाप यही चाहते हैं कि बेटा बस कमाते रहे और इसीलिए उस पर चिल्लाते रहते हैं। मैंने उस लड़के की मदद कर दी तो चिल्लाने लगे। हेलो, अगर इस काम के पैसे मिलते ना तब वो बहुत खुश होते। इतने गुस्से वाले आदमी से माँ आपने शादी कैसे कर ली? कैसे शादी की मतलब? शादी कैसे कर ली मतलब लव किया, अरेंज मैरिज की। शुक्र है हमारे जमाने में ये सब नहीं होता। हेलो हेलो, सदियों से लव मैरिज होती आ रही है, आप में प्यार करने की हिम्मत नहीं होगी। हाँ हाँ, मुझ में दम नहीं था इसलिए नहीं किया, लेकिन तेरे में दम है ना, तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है। मैं किसी लड़की से प्यार व्यार नहीं करता। अच्छा प्यार नहीं कर रहा है, मतलब तेरे में भी दम नाम की चीज नहीं है, या मिल गई है और सोच रहा है कि देख लूंगा। आपसे सीरियसली एक बात कहता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगे उसी से शादी करूंगा, तुम्हारी कसम। हाँ? ए, तेरा मोबाइल कहाँ है? ओ, माँ, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कहिए। मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? वही जिसका मोबाइल इस वक्त आपके पास है, सागर सर्कल के पास माँ का जो मंदिर है ना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, आप प्लीज आ जाइए। हेलो मिस्टर, मैंने आपसे कल आने के लिए कहा था, आज नहीं। अरे ये क्या, एक दिन में लेट क्या हुआ, मैं नहीं आऊंगा ये सोचकर आपने मेरे मोबाइल का सौदा कर लिया क्या? ओहो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका मोबाइल 1 करोड़ का है। मुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? अभी मैं रामनगर अपने घर जा रही हूँ, आप मुझे बाद में फोन करना, दे दूंगी। सुनिए, अपने घर का पूरा एड्रेस बताइए, मैं वहीं पर आता हूँ। हेलो, मैं आपको अपने घर का पता क्यों देने लगी? ये मत समझिए कि आप लड़की होकर मुझे बेवकूफ बना देंगी। आप बेवकूफ तो क्या, तुम्हें चूड़ियां भी पहना दूंगी। ए, तुम जरा तमीज से बात करो, मैनर्स नहीं आते क्या? हेलो हेलो, पापा। अरे प्रिया बेटा। पापा। इतनी देर क्यों लगा दी? सरोज देखो तुम्हारी बेटी आ गई। क्या हुआ?
बस लेट हो गई थी पापा। ये क्या, तू हॉस्टल से सीधा घर नहीं आ सकती थी क्या? माँ मेरे घर आते ही आपका लेक्चर शुरू हो गया ना। ठीक है ठीक है, जाकर फ्रेश हो जा, नाश्ता तैयार है। आप तैयार है ना, तो नाश्ता कर लीजिए आप। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। एक हफ्ते से तू 500 रुपए दे रहा है, कब देगा भाई, कब देगा भाई? हेलो हेलो, ऐसे फोन कॉल्स आते हैं इस आदमी को। फटी हुई चड्डी पहनने से तो अच्छा है कि चड्डी ना पहने। हेलो, मैं राजा बोल रहा हूँ यार। आज मेरी आइटम मुझे देखकर मस्त मुस्कुराई। आज मैं बहुत खुश हूँ। चला शाम को बार में बैठते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक 500 रुपए के लिए फोन करता है, दूसरा शाम को बार में बैठकर दारू पीने के लिए। लगता है इसके सारे दोस्त एक नंबर के तड़ी पार है। पापा एक बात पूछूं क्या? पूछो बेटा। हमारे सभी रिश्तेदार अच्छे अच्छे शहरों में रहते हैं, लेकिन हमें शहर से दूर इस फार्म हाउस में क्यों रहते हैं? ओ, क्या है ना, चुपचाप नाश्ता कर। आप भी सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए? कल हम लोगों को दर्शन के लिए बाहर जाना है, सारा सामान लेकर आना है आपको। पापा राज क्या है बताइए ना। बेटा रात को सोते से मैं बता दूंगा, चुप हो जाओ। ओके ओके। मैं पहली बार शादी के लिए लड़की देखने के लिए इसी घर में आया था। तब मेरी स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए मेरे नाना ने मुझे लड़की देखने से मना कर दिया। तुम्हारी माँ ने पता नहीं किस भगवान से मन्नत मांगी थी, 10 दिनों में ही तुम्हारे नाना ने मुझे यहाँ बुलाया और एक कंडीशन पर हमारी शादी करवा दी। कंडीशन क्या था पता है? हमें आगे से इसी घर में घर गृहस्थी संभालनी होगी, इसलिए हम यहीं के होके रह गए। सच में पापा? देखो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। तुम्हारी माँ जहाँ मन्नत मांगी थी हम उसी मंदिर में जाने वाले हैं। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। हेलो आंटी। क्या आंटी, कौन आंटी? हाँ आपको कह रहा हूँ, आपकी आवाज सुनकर लगता है कि आप 2 बच्चों की माँ बोल रही हैं। और आपकी आवाज सुनकर लगता है कि आप 4 पोते पोतियों के दादा हैं। ए, फालतू की बातें मत करो, जल्दी से मेरा फोन वापस कर दो। अपने घर का एड्रेस बोलो, मैं खुद आकर अपना फोन ले लूंगा। देखो मेरे जरूरी फोन कॉल्स आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स तो आते हैं। एक ने कहा 500 रुपए चाहिए, अंडरवेयर खरीदनी है। दूसरे ने कहा कि शाम को बार में बैठकर दारू पीनी है। अगर ऐसे ही कॉल्स आते रहे ना, तो आपका सिम कार्ड फेंक कर मैं ही आपका फोन यूज करूंगी। ए, मजाक कर रही हो क्या? हाँ हाँ, तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो ना, जो मैं तुमसे मजाक करूंगी इसकी तो। हेलो हेलो, बोलिए ना। क्या हुआ, मेरी बातें सुनकर डर लग गया क्या? हाँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मुझे फोन की बहुत जरूरत है, कल मुझे बैंगलोर भी जाना है। क्या? हनुमान जी के मंदिर में जाकर सन्यासी बनने वाला हूँ मैं। क्या मजाक कर रहे हो? ए, तू मेरी घर वाली है क्या जो तेरे साथ मजाक करूंगा मैं? अपने घर का एड्रेस बोल, मैं आकर फोन लेता हूँ। देखो इतना परेशान मत करो, फोन करना मैं खुद आकर दे दूंगी। प्रिया, बाप रे, मम्मी आ रही है। एक मिनट। हाँ प्रिया, तू किसी से बातें कर रही थी क्या? माँ मैं नहीं, तो इस वक्त मैं कैसे बात करूंगी? अच्छा तू सो जा। हेलो। हाँ बोलो। ये क्या, अपनी माँ को उल्लू क्यों बना रही हो तुम? उल्लू नहीं लल्लू बना रही हूँ। ए, तुम किसी को उल्लू बनाओ या फिर लल्लू बनाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अपने घर का एड्रेस बोलो, मैं फोन लेने आता हूँ। अरे बाप रे, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? बात क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? तो बता दीजिए, आपका जो भी मैसेज होगा उसका फोन आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। ए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बताइए ना। अच्छा ठीक है, तुमको यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करो, तुम मेरा मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए अपने पास रख लो। देख लेना, एक हफ्ते में किसी भी लड़की का कॉल मेरे मोबाइल पे नहीं आएगा, और अगर किसी लड़की का फोन आ गया तो तुम मुझे फोन मत देना। कमाल की बात है, इस जमाने में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी इतना फ्रैंकली बता रहे हो। यकीन ना हो तो कल फोन करूँ आपको? कभी भी फोन कीजिए, क्योंकि फोन आपका है, फोन करने वाले आप हैं। लेकिन एक बात जरूर है। क्या? अपने दोस्तों से कहिए कि 5 रुपए के लिए अपनी चड्डी सिलने के लिए मुझे फोन ना करें। ठीक है, मैं दोस्तों को बता दूंगा। ओके। ओके क्या, मैं रेडी हूँ। रेडी मतलब, समझी नहीं। आपने ओके कहा ना। ओके कहा तो? ओके का मतलब हमारी भाषा में किस करने को कहते हैं। क्या बात है, हाँ बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं।
वैसे आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी शादी करने में इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइएगा। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उन्हें बता दूंगी। ठीक है, बता दूंगा। बाय। हेलो सर, मैं होटल से कैशियर बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। मैडम सर नहीं है क्या? वो नहीं है सर। आए तो कहिए कि दादी के होटल के खाने का बिल भरना है। ठीक है, बता दूंगी। ओके मैडम। इसे जो भी फोन करता है पैसे ही मांगता है, फिलहाल फोन स्विच ऑफ कर देना ही ठीक है। सुखी सांसारिक जीवन के चाहने वालों, खत्म हुई लव स्टोरी की तरह खाली बोतलों, छोड़ गई बहुत सारी पारों के देवदासों, नोट से खाली पड़ी हुई जेबों, कभी ना इस्तेमाल की हुई क्रेडिट कार्डों, आओ फोन करो। हे कॉइन बॉक्स, क्या हाल चाल? सब उसकी दया है, बाद में फोन करना, जाकर आता हूँ। हेलो बिग बॉस। हेलो, बहुत ताव बढ़ गया है क्या, क्या तेरा? हुआ यार? हाँ, कल पार्टी में क्यों नहीं आया? अरे यार, मुझे 500 रुपए देने वाला था, अभी तक नहीं दिया, और कल मैंने फोन किया तो फोन काट दिया। क्यों? ए, मेरा मोबाइल कहीं गिर गया यार। चुप कर रे, सुना कल ही तो मैंने तुझे कॉल किया। अबे यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कल बैंगलोर से हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में कहीं मेरा फोन गिर गया। एक फोन करके आता हूँ। फोन करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी। मेरी शादी हो चुकी है तो एक सच्ची दोस्त जरूर मिलेगी। मेरी पत्नी किसी के साथ भागी नहीं है, वो मुझे बहुत चाहती है। लड़की को लड़का मिलेगा, लड़के को लड़की मिलेगी बोलकर उल्लू बनाता है। इस पीसीओ से फोन करने पर एक नंबर भी नहीं लगता है। बड़ा रिश्ते जोड़ने वाला। फोन खींच कर मारूंगा, टपर कहीं का, ये ले तेरा एक रुपया। हाँ यार, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा क्या है। क्या कहा? स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ। स्विच ऑफ क्यों कर दिया उसने? किन ख्यालों में डूबा हुआ है? हाँ क्यों, लड़की के बारे में सोच रहा है क्या? हाँ बालू, तेरे लिए भी कोई ना कोई बनी ही होगी, लेकिन यार वो कहाँ है, क्या कर रही है? सुनिए जी, मैं जरा मंदिर की प्रदक्षिणा करके आती हूँ। मिम साहब, चूड़ियाँ बांधिए दीदी, चूड़ियाँ बांधिए। पापा, उस पेड़ में सब लोग चूड़ियाँ क्यों बांधते हैं, आखिर बात क्या है? ऐसा है बेटा, अगर हमारी मनोकामना हो तो वो चूड़ियाँ लेकर पेड़ पर बांधकर मेरी मनोकामना पूरी करो कहकर सच्चे मन से प्रार्थना करने से काम हो जाता है। सच में पापा? पापा मैं वहाँ जाकर आऊँ? जल्दी आना बेटा, नहीं तो तेरी माँ चिल्लाएगी। 10 रुपए में चूड़ियाँ ले लो, ले लो सर, ले लो दीदी, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेगा। ये ले लो मैडम, चूड़ियाँ ले लो, सिर्फ 10 रुपए की चूड़ियाँ ले लो, आपकी इच्छा पूरी होगी मैडम, चूड़ियाँ ले लो। क्या है ये? सच्चे मन से माँ दुर्गा का नाम लेकर इस पेड़ पे चूड़ियाँ बांधिए मैडम, आपको चाहने वाला मिलेगा। चाहने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन सच में जो मांगूंगी वो मिल जाएगा? हाँ मैडम। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ऐसा फिर मत कहिएगा मैडम, यहाँ भक्ति में बड़ी शक्ति है, भगवान की महिमा अपरंपार है। अब्दुल्ला तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ दीदी। पता है मैडम, 3 महीने पहले इस दीदी ने यहाँ चूड़ियाँ बांधी थी, और देखो उनकी शादी हो गई। 3 महीने नहीं मैडम, 3 दिन बहुत है। आप अकेले आई हैं क्या? नहीं, अपने माँ पापा के साथ आई हूँ। तो फिर आपकी माँ से शादी करने के लिए आपके पिताजी ने यहाँ चूड़ियाँ बांधी होगी, या फिर आपके पिताजी से शादी करने के लिए आपकी माँ ने यहाँ चूड़ियाँ बांधी होंगी, चाहिए तो पूछ लीजिए मैडम। तुम्हारी माँ ने पता नहीं किस भगवान से मन्नत मांगी थी, 10 दिनों में ही तेरे नाना ने मुझे बुलाकर एक कंडीशन पर मेरी शादी करवाई। प्रिया बेटा। हाँ आई पापा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ये क्या, जब देखो तब मैं कहते रहते हो, आपका कोई नाम नहीं है क्या? मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगी? वैसे मेरा कोई कॉल आया था क्या? हाँ आया था, किसी होटल से कॉल आया था, उसने कहा कि सर को बताना कि दादी का बिल देना है। 2 दिन हो चुके हैं, 5 दिनों के बाद मैं अपने घर का एड्रेस आपको दे दूंगा, आप मेरा मोबाइल फोन कुरियर कर दीजिएगा। हेलो, आपका मोबाइल कुरियर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और ऊपर से ये मोबाइल एक ज्योमेट्री बॉक्स की तरह है, इसे कुरियर करने में जितने पैसे लगेंगे उतने में नया फोन आ जाएगा। इस पूरी दुनिया में देखा जाए तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। क्यों? खुद के ही फोन पर पीसीओ से बात कर रहा हूँ ना, इसलिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे साथ बात करने से आप बोर हो जाते हैं क्या? और नहीं तो क्या, जब भी फोन करता हूँ आप झगड़ा शुरू कर देती हैं। आई एम सॉरी, अब से मैं आपसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूँगी। ओके वैसे आपका नाम क्या है?
ये मेरा नाम जानकर क्या करेगी? मेरा नाम मानव है, और आपका नाम? मेरा नाम, हाँ, मैत्री है। वाओ, सुपर नेम। क्यों? आपका नाम मैत्री, मेरा नाम मानव, मैत्री के मन में मानव। सुनिए, आपको पहले ही बता दूं कि इतने सपने मत देखिए। आप बातें अच्छी करते हैं, अच्छे इंसान लगे, इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। अब 5 दिनों का वक्त है, अगर 5 दिनों में किसी लड़की ने फोन नहीं किया तो। फोन नहीं किया तो? हेलो, क्या मतलब? तो आपका फोन लौटा दूंगी। अच्छा, थैंक्स। अच्छा, आप दोबारा फोन कब करेंगे? क्यों मैडम, कहीं आपका मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस बात करनी थी आपसे। वैसे आपको तो प्यार नहीं हो गया ना? अगर मैं आपसे इसी तरह रोज बात करूंगा ना, तो सच कह रहा हूँ, एक दिन मुझे सच्चा वाला प्यार हो जाएगा। माँ, क्या रोज उपमा सीरा खिलाती हो? कल पूड़ियां बनाई थी ना। हेलो, साल में एक बार बनाया तो क्या बनाया? जब तेरी पत्नी आएगी ना, उससे बनवा कर खाना। ठीक है माँ। माँ, माँ, पानी दो ना मुझे। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? माँ, पापा, माँ बेहोश हो गई, जल्दी आइए। माँ उठिए ना, माँ उठिए। शैलू, शैलू, माँ आप ठीक है ना? शैलू, माँ, बालू, हाँ, जल्दी करो, हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आराम करो माँ। मेरी हालत ठीक नहीं है, जितनी भी जल्दी हो सके बालू की शादी करवा देते हैं। पहले तुम जल्दी से ठीक होकर घर चलो, चलने फिरने लायक हो जाओ, उसके बाद शादी की बात कर लेंगे। अभी तो तुम आराम करो। ओ जी, बालू के लिए लड़की देखने के लिए मैंने कहा था ना, उसका क्या हुआ? अब शादी तो उसकी ही करनी है ना, एक बार उससे पूछना भी तो जरूरी है। ओ जी, मैंने उससे पहले ही पूछ लिया है, हम जिस लड़की से कहेंगे उससे वो बिना कुछ कहे शादी कर लेगा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई है उसने। शुक्र है तुम्हारी बात मानकर शादी करने के लिए तैयार तो हो गया। ओके, फिर भी शैलू, मुझे तो लगता है हमें उसे एक बार पूछ लेना चाहिए। वो मेरा बेटा है जी, मेरी बात कभी नहीं डालेगा। ओके ओके, तुम अभी आराम करो, चिंता मत करो। भैया, एक बढ़िया घी का पैकेट। हाँ मैडम, देता हूँ। और कोई अच्छा सा पेस्ट देना, वो जेल वाला देना। मैडम अभी तो है नहीं, कल स्टॉक आएगा तो मिल जाएगा। माँ, मैं दूसरी दुकान से लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। मैडम और क्या चाहिए? हाँ मुझे ओफो। हेलो, मैं मानव बोल रहा हूँ। मैं अपनी माँ के साथ मार्केट आई हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी, तुमसे बाद में बात करूंगी। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अर्जेंट में मेरा फोन चाहिए। क्या बात है? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पास दूसरा फोन नहीं है क्या? मैं पापा से पैसे नहीं मांगता, और अभी मैं नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ। बस 4 दिन रुक जाइए, आपका यही फोन आपको मिल जाएगा। हाँ याद आया, होटल से किसी का फोन आया था। उन्हें पैसे दे दिए क्या? हे भगवान, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सुनो मैत्री, तुम मेरी हेल्प करोगी क्या? हाँ बोलिए ना, मुझसे होगा तो जरूर करूंगी। मुझे मेरी किडनी बेचनी, कोई खरीदेगा क्या? क्या? मैंने कहा कि मुझे मेरी किडनी बेचनी, कोई खरीदेगा क्या? ऐसे कोई थोड़ी ना खरीदता है। क्यों नहीं खरीद सकता? मॉल्स में शॉपिंग करवाने वाला, होटल्स में खाना खिलाने वाला, मोबाइल का रिचार्ज करने वाला, महीनों में हजारों खर्च करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही ना।
अरे आप में जरा से भी शर्म नहीं है? अरे प्रिया, हाँ? जाना नहीं है क्या? मेरी माँ बुला रही है, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। ओके रेडी हो ना? रेडी किस लिए? ओके का मतलब बताया था ना। ये लो भैया। अरे चेंज नहीं है मैडम। माँ मेरे पास चेंज है, मैं दे दूंगी। ठीक है जल्दी आ जाना। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। सुनिए सुनिए एक मिनट। हाँ नमस्ते सर, मैं शंकर बोल रहा हूँ। वही सर, उस दिन बैंगलोर में मेरे दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया था ना, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके मेरी बेटी की डिलीवरी के लिए आपने पैसे ला कर दिए थे। मैं वही शंकर बोल रहा हूँ सर। भगवान की दया से मेरी बेटी को बेटा हुआ है सर। कल मेरे पोते के नामकरण का कार्यक्रम है, समय निकाल कर आप आ जाइएगा सर। एक और बात है, हम अपने पोते को आप ही का नाम देना चाहते हैं सर। उस दिन जल्दबाजी में मैं आपका नाम ही पूछना भूल गया था सर, आपका नाम क्या है सर? उनका नाम मानव है। मैम साहब आप हैं? सर कहाँ है मैम साहब? वो नहीं है, बाहर गए हैं। मैम साहब बच्चे के नामकरण में आप भी उनके साथ आइएगा। ठीक है शंकर जी, मैं जरूर आऊंगी। आपके घर का एड्रेस क्या है? शिवनगर में राम मंदिर के पास ही है। ठीक है शंकर जी, मैं कल आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। कॉफी। माँ 20,000 रुपए चाहिए। हाँ? मुझे नया मोबाइल खरीदना है। अरे बाप रे, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। ठीक है तो पापा से पूछ कर देखो ना, पूछिए ना। ओ जी सुनिए ना। बालू को 20,000 रुपए चाहिए। किस लिए? मोबाइल खरीदना है। मैं उसके लिए हमेशा मोबाइल खरीदता रहूंगा और वो मोबाइल घुमाता रहेगा। कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जो उसे मोबाइल की जरूरत है? परसों हमें लड़की देखने चलना है, तब तक उसे रुकने के लिए बोलना, उसे फोन मिल जाएगा। पापा क्या बोले? लग गया तेरा जैकपॉट। सच में? मतलब लग गया जैकपॉट, iPhone 5S सुपर्ब। सर यहाँ शंकर जी का घर कहाँ है? वहाँ से दाएं। ओ ये नमस्ते। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आइए आइए। सर तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, आइए। मंजू ये वही मैडम है। नमस्ते मैडम। मैम साहब ये मेरी बेटी मंजू। ठीक है ना? मैडम इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, आप पानी पिएंगी मैडम? हाँ चलेगा। हाँ मंजू पानी लेकर आओ। ठीक है पापा। सुनिए जी, सुनिए जी। मैम साहब ये मेरे दामाद। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। अरे बैठिए बैठिए। मैडम सर नहीं आए? नहीं वो ऑफिस गए हैं ना। मैडम आपके पति तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। मैं अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। अगर आपके पति नहीं होते तो आज मेरे पति हमारे साथ नहीं होते। इसलिए मैडम हमने अपने बच्चे का नाम भी मानव ही रखा है। सर आएंगे सोचकर हम बहुत खुश हो रहे थे, फिर भी कोई बात नहीं है, आप तो आई हमें इस बात की खुशी है। अच्छा चलती हूँ। आप हमारे घर पर आई, हमें बहुत अच्छा लगा मैम साहब। सर को पूछा करके बताइएगा। जरूर बताऊंगी, समय मिले तो फिर आइएगा। चलती हूँ। हेलो मैडम, मैं होटल का कैशियर बोल रहा हूँ मैडम। हाँ बोलिए ना सर। मैडम सर को भेज दीजिए, होटल वाली दादी नहीं रही मैडम। क्या होटल वाली दादी गुजर गई? ठीक है मैं बता दूंगी, मुझे उस होटल का एड्रेस बता दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। लिंक रोड के चौराहे वाला मैडम। ठीक है। उस दिन उसने कहा था कि उसे इम्पोर्टेंट कॉल्स आएंगे, मुझे मेरा फोन दे दो। शह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं?
हेलो मैत्री जी, कल आखिरी दिन है। मानव, थोड़ी देर पहले होटल से फोन आया था, होटल वाली दादी जी गुजर गई हैं। क्या चाहिए मैडम? मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि दादी गुजर गई हैं। हाँ मैडम, मैंने ही आपको फोन किया था। थोड़ी देर पहले सर और उनके फ्रेंड्स बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर गए। सर, वो दादी जी उनकी क्या लगती हैं? दादी उनकी कुछ नहीं लगती हैं। वो तो यहाँ खाना खाने आते थे, महीने महीने का बिल देते थे। मैडम, आप सर की क्या लगती हैं? मैडम, दादी उनकी कुछ नहीं लगती हैं। वो तो यहाँ खाना खाने आते थे, महीने महीने का बिल देते थे। मेरे पति का जब एक्सीडेंट हुआ और वो रास्ते पे बेहोश पड़े हुए थे, तो आपके पति ने ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और मेरे पति की जान बचाई। अब बस एक ही दिन बचा है, किसी लड़की का फोन ना आए तो कितना अच्छा होगा। हेलो। हेलो, कह रहा था कि किसी लड़की का फोन नहीं आएगा, आखिर में एक लड़की का फोन आ ही गया। हेलो हेलो, हाँ कहिए। नमस्ते मैडम, मैं ICICI बैंक से बोल रही हूँ। अगर आपको एजुकेशनल लोन चाहिए या होम लोन चाहिए तो बताइए, आपको मिल जाएगा। मैम नहीं चाहिए, और फिलहाल कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। थैंक यू मैडम। हेलो मैडम, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ। मैडम कहिए। वेंकटेश जी। मैडम मैं एक अंधा आदमी हूँ। मैडम मुझे एक जरूरी काम है, मुझे सर से बात करनी है। वो घर पर नहीं है, बताइए क्या बात है। सर मुझे हर महीने 5,000 रुपए देते थे, इसलिए मैंने कॉल किया। मैडम अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं आज आ नहीं पाया। मैडम कल दोपहर को 12 बजे BH रोड के पास एक कर्नाटका बैंक का ATM है, मैं वहां मिलूंगा। ठीक है वेंकटेश जी, आप कल आइएगा, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। जल्दी करो ना, लेट हो रहा है। हाँ हाँ तैयार हो रही हूँ, 5 मिनट। हम लोग अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तुम तो खुद ही लड़की की तरह बन ठन कर तैयार हो रही हो। बस हो गया जी, रुकिए बालू को बताकर आती हूँ। बालू। हाँ? बालू हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। ओके मदर। हाँ ठीक है। श्वेता सिर्फ तेरी वजह से आज लेट हो जाएंगे। गॉड, चल जल्दी, क्या हो गया प्रिया? हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, ओह नो, अब हम क्या करें? प्रिया चल निकलते हैं यहाँ से, ये मर चुका है, पुलिस केस हो जाएगा। चल प्रिया मेरी बात सुन, निकलते हैं यहाँ से, जल्दी चल। चल प्रिया गाड़ी में बैठ। आप ही वेंकटेश जी हैं क्या? हाँ मैडम, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये लीजिए वेंकटेश जी, ये रहे आपके 5,000 रुपए।
थैंक्स मैडम। अपना ख्याल रखिएगा। आप सर की पत्नी है क्या मैडम? नहीं वेंकटेश जी, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनसे बहुत करीबी रिश्ता है। आप सर की पत्नी है, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी इस जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, और ऐसे में 2 सालों से मुझे पैसे देकर पालने वाले उस भले इंसान की पत्नी आप है समझकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिस लड़की की शादी सर से होगी ना, वो बड़ी किस्मत वाली होगी। अच्छा मैडम, चलता हूँ। I'm very sorry वेंकटेश, तुम्हारी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से है। मैत्री, मैं मानव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मानव। पूरा 1 हफ्ता हो गया है, आप मुझे कल फोन दे देंगी ना? मैं आपका मोबाइल वापस नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? आपके मोबाइल पर एक लड़की का फोन आया था। देखिए आप झूठ मत बोलिए, आपको फोन रखना है तो रख लीजिए, मैं आज के बाद आपको दोबारा फोन नहीं करूँगा। हेलो प्लीज फोन मत रखिए, प्लीज मुझसे बात कीजिए। अगर आप फोन रख देंगे तो मैं किससे बात करूँगी? सच में आपके मोबाइल पर किसी लड़की का कॉल आया था, लेकिन वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ICICI बैंक की कोई स्टाफ थी। अब तो पता चल गया ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब जितना भी बोलना है, जितना भी लड़ना है, आज ही कर लीजिए। मतलब कल से आप मुझे फोन नहीं करेंगे क्या? आपको मुझसे बात करने का दिल नहीं करता? बात करने का तो बहुत दिल करता है, लेकिन आपसे बात क्या करूं ये समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, आप बस बोलिए, मैं सुनता रहूंगा। मानव, I love you मानव, I love you so much. मैं आपको सच में बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? भैया, भाभी। ओहो, आओ बहना। कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? और सफर कैसा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहा। कैसी हो बेटी? आइए ना बैठिए। स्कूल कैसा चल रहा है? भैया पढ़ती हो ना? सब ठीक है ना? ठीक हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। प्रिया। ओ बुआ, आप कैसी हैं? आप अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये ले, परसों तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तू यही साड़ी पहनकर सामने जाना, और इस साड़ी में देखकर वो तुझे जरूर पसंद करेंगे। तुझे क्या हुआ? ये सब क्या है माँ, मेरा इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। लड़का पहली बार तुझे देखने आ रहा है, ऐसे में उन्हें मना कैसे करते? शादी के लायक लड़की के लिए यहाँ वहाँ से रिश्ते तो आएंगे ना, जाकर उनसे मिल ले। बालू। हाँ? बालू टेबल पे लड़की की फोटो रखी है, देख ले। कौन सी लड़की की फोटो माँ? मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए लड़की देखी है। किससे पूछ कर लड़की वालों से बात की आपने? ये क्या बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अगर तेरे पापा ने ये बात सुन ली ना, तो सारे घर की शांति बिगड़ जाएगी। अरे क्या हो गया, इतनी चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही थी, वो हम लड़की देख कर आए थे ना, लड़की अच्छी है वही मुझे अभी शादी नहीं करनी है बस। क्यों नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी ये मत पूछिए, नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है बस। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था ना कि उससे एक बार पूछ लेते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। पापा। पता नहीं मुझे किस पाप की सजा मिल रही है, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करेगा उसने ऐसी कसम खाई थी ना तुम्हारे सामने, उसका भी मान नहीं रखा। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, घर में एक बच्चा नहीं होना चाहिए, अगर एक बच्चा बात ना माने तो दूसरा मानेगा। हमारे बुढ़ापे में
हम जिससे उम्मीद लगाते हैं वही धोखा देता है। गरीबों के घर में सिर्फ पैसा ना होने की समस्या, लेकिन अमीरों के घर में पैसे होते हुए भी समस्याएं होती हैं। इस दुनिया में पैसे ना होने के दुख में लोग किसी तरह जी लेते हैं, लेकिन बच्चों के प्यार के बिना अब जीकर क्या करेंगे? इतनी सी बात के लिए मरने की बात क्यों करती हो? इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन मरना तो पड़ता ही है। मुसीबत से लड़ना सीखो। पापा, आप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगा। सुना, सुना ना आपने, मैंने कहा था ना हमारा बेटा हमारी बात नहीं टालेगा। ओ जी, लड़की वालों को आज ही फोन करके कह दीजिए, उन्हें कहिए कि हमारा बेटा शादी के लिए तैयार है। जाइए जी। हेलो। हेलो मैत्री। मानव, तुम कहाँ हो? मानव, मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों मैत्री, क्या बात है? मानव, परसों मेरे घर मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बस इतनी सी बात, इसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मानव, ये तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं शादी के लिए राजी नहीं होने वाली, मुझे तुम कहीं दूर ले जाओ मानव, प्लीज। प्लीज मानव। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो सिर्फ तुमको देखने आ रहे हैं, तुम्हारी शादी तो नहीं हो रही ना? मुझे फिर भी बहुत टेंशन हो रही है। देखो मैत्री, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती। बिना जाने तुम मुझसे शादी करना चाह रही हो मैत्री? अगर एक लड़का एक लड़की से शादी करने के लिए इस तरह का डिसीजन ले तो समझ में आता है मैत्री, लेकिन दुनिया की कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार करने से पहले 10 बार सोचती है, और उस लड़के का घर परिवार, वो कितना कमाता है, ये सब कुछ देखती है मैत्री। और फिर तुमने तो आज तक मुझे देखा भी नहीं है मैत्री। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ तुम कुछ भी नहीं जानती, तो फिर तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती हो? तुम मेरे साथ भागने के लिए कैसे तैयार हो सकती हो मैत्री? लव करके शादी करना और जिंदगी चलाना आसान बात नहीं होती। मेरी बात को समझो, कई बार लव मैरिज में पूरा परिवार अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे अगेंस्ट में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम सब कुछ हैंडल कर पाओगी मैत्री? तुम अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के बिना गुजार पाओगी क्या? एक बार सोचो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। जो लड़का देखने आ रहा है उससे शादी कर लो। मैंने तुमसे प्यार ये सोचकर नहीं किया कि किसी अनजान लड़के से मैं रोज फोन पर बात कर रही हूँ। होटल वाली दादी जी, बैंगलोर के हॉस्पिटल में शंकर जी की बेटी की, हर महीने उस हैंडीकैप को तुम 5,000 रुपए देते हो, इन सब की तुम मदद करते हो, और भी पता नहीं किस किस की मदद करते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम जैसे अच्छे इंसान से शादी करूंगी तो मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी, ये सोचकर ही मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। क्यों मानव, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? बताओ ना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ मानव, मैं उस गलती को मान लूंगी और दोबारा कभी भी नहीं करूंगी, इस बात का ख्याल रखूंगी। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है मैत्री। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की से प्यार किया है और उसी के साथ शादी करके जिंदगी बिताने का सपना भी देखा, लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब है मैत्री। और इसकी वजह जान सकती हूँ मैं? परसों मेरे एंगेजमेंट होने वाली है। तो क्या तुम अब कभी मुझे फोन नहीं करोगे मानव? अगर तुम मुझसे बात करना चाहोगी तो जरूर बात करूंगा। ये मैत्री हमेशा तुम्हारे फोन का इंतजार करेगी, लेकिन एक बात और है। ठीक है। मुझे देखने जो लड़का आ रहा है, चाहे वो मुझे पसंद भी कर ले, लेकिन मैं उसे कभी अपना नहीं पाऊंगी। मेरे गले में तुम्हारे अलावा अगर किसी ने भी मंगलसूत्र पहनाया तो आधे घंटे में जहर पीकर मैं अपनी जान दे दूंगी मानव। तुम मेरे बगैर शायद रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी, तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। This is my challenge. नमस्ते, नमस्कार विद्यापति जी, कैसे हैं? आने में कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ बढ़िया।
हाँ पंडित जी, एंगेजमेंट का कार्यक्रम तो हो गया, अब शादी के लिए भी एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर बता दीजिए। जल्दी ही शादी हो जाए तो अच्छी बात है, क्यों विद्यापति जी? हाँ हाँ हाँ, हमें मंजूर है, जरा देखिए तो पंडित जी। आने वाली 20 तारीख को गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ है शादी के लिए। ठीक है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, चलेगा चलेगा। ए शंकर। हाँ मालिक। ये सब निकालो। ठीक है मालिक, जल्दी से ले जाओ। पापा। हाँ? क्या हुआ बेटा? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ, आप लोगों ने मुझसे क्या कहा था? लड़का सिर्फ मुझे देखने आ रहा है, बस यही कहा था, और आप लोगों ने मेरी एंगेजमेंट करवा दी। एटलीस्ट मुझसे पूछते कि लड़का पसंद भी है या नहीं। आप लोगों में से किसी ने भी मुझसे आके पूछा? देखो बेटा, हमारे पसंद के लड़के से ही हमारी बेटी शादी करेगी, इसलिए हम लोगों ने तुमसे पूछा नहीं। आप लोगों ने भी ऐसे ही शादी की थी क्या? बहुत हुआ, जो मुंह में आ रहा बोले जा रही है। दांत तो नहीं थी। भाभी भैया आप जरा चुप रहिए। श्वेता तू प्रिया को लेकर जा। ए चलो पर चल। प्रिया ऐसा क्यों कर रही है? सरोज जी कहिए। श्वेता को जरा भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अच्छा जी। श्वेता तुम प्रिया की क्लोज फ्रेंड हो सकता है वो कोई बात छुपा रही हो, लेकिन तुम तो उसको अच्छी तरह जानती हो, इसलिए तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए अंकल। हमारी प्रिया किसी से प्यार करती है क्या? नहीं अंकल, वो किसी से प्यार नहीं करती। वो क्या है कि आज सुबह उसने जो हरकत की उसे देखकर मुझे कुछ शक होने लगा है, अगर कुछ है तो बता दो। नहीं अंकल, वो आप लोगों ने उसकी अचानक मंगनी करवा दी और उसकी शादी भी फिक्स कर दी ना, इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट है अंकल। बस इतना ही है ना? तुम एक काम करो, उसकी शादी होने तक तुम भी यहीं रहो, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। ठीक है अंकल, गुड नाइट। थैंक्स बेटी, गुड नाइट। ए प्रिया, वो सोच रही है क्या? और तूने अपने पापा से झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। बुरा लगता है तो लगने दे, मुझे लड़का पसंद है या नहीं किसी ने एक बार पूछा तक नहीं। है, अगर पूछते तो क्या कहती? अगर कोई बात है तो तू मुझे बताना। देख श्वेता, मैं मानव नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। क्या मानव नाम के लड़के से प्यार करती है? मजाक कर रही है ना तू? मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। अब मैं क्या करूं? अभी मैं तेरे पापा से कह के आई हूँ कि तू किसी लड़के से प्यार नहीं करती है। मैं उनसे कह के आई हूँ, आप परेशान मत होइए अंकल। और तू यहाँ किसी मानव नाम के लड़के से प्यार करती है, क्या है ये सब? देख श्वेता, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हेलो। हेलो, मैं मानव बोल रहा हूँ। जानती हूँ, अपने घर का एड्रेस दो, तुम्हारा मोबाइल कुरियर कर दूंगी। रहने दो मैत्री, फोन अपने पास ही रख लो। सुनो, जब मुझे तुम नहीं मिले तो तुम्हारा मोबाइल लेकर क्या करूंगी? देखो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ये बताओ मुझे कल मिलोगे? क्या कहा, कहाँ मिलेगा? पता नहीं यार, लाइन कट हो गई। इसी मोबाइल की वजह से तेरी लव स्टोरी रुकी हुई है। प्रिया, श्वेता। हाँ अंकल। कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना, दुकान से गहने लेने जाना है। ठीक है अंकल, गुड नाइट। श्वेता कल तुम घर पर ही रहना, कल घर वालों के साथ गहने खरीदने के लिए मैं अकेले चली जाऊंगी, क्योंकि मानव ने फोन किया और मम्मी डैडी साथ होंगे तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। हेलो। ओ जी। बोलो। आज घर जल्दी आइएगा, शादी के लिए गहने खरीदने जाना है। आ रहा हूँ, यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। हाँ मुझे पता था आप झूठ बोलेंगे, इसीलिए मैंने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया है। आप बोलिए, ऑफिस में भी ट्रैफिक है क्या? हाँ ठीक है, निकलता हूँ। जल्दी आइए। जब देखो औरतें दादागिरी करती रहती हैं, जीना आराम कर देती हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे हैं यही सोचती रहती हैं। ए रामू कार निकलवाओ।
कल शादी हो जाने के बाद दोनों को एक साथ ही जिंदगी गुजारनी है। दूर दूर खड़े रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ बातचीत तो करो। क्या लड़का है ये भी? भाई, ओ भाई जी, कहिए। प्रिंटिंग प्रेस से शादी के कार्ड लेकर आया हूँ, साहब को बता दीजिए। ठीक है, वो आएंगे तो बता दूंगा। मैंने मुफ्त में पढ़ाई की थी, लेकिन आज LKG में भी फीस लगती है। गरीब कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, अमीर ब्याज के पैसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आया। ज्ञानी जी, पैसे डालकर बात की जाती है। मुझे जिससे बात करनी है उससे बिना पैसे डाले बात कर सकते हैं। आजकल तो शमशान में भी लाश को ले जाने के लिए पैसे देकर रसीद कटवानी पड़ती है। बिना पैसे डाले फोन करने वाला कौन सा नंबर है बे? 100 पुलिस स्टेशन। तू तेरी जात का बेवड़ा, कितनी उम्र हो गई तेरी? 30 है। शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई। अबे गधे, कहाँ सो रहा था अभी तक? 30 साल की उम्र में मेरे 3-3 बच्चे हो गए रे। फोला, पुण्य करने वालों की शादी होती है, तेरे जैसे पापियों की शादी नहीं होती। चला अबे बेवड़े, फोन करने चला है। भाग 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 यहाँ से, भाग नहीं तो मार डालूंगा। बेवड़ा, फ्री में फोन करने चला है तो? बालू, बालू कैसे हो आप? एक कॉल करना है। तुम्हें तो लड़की जरूर मिलेगी। हाँ, करो 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 करो। हेलो, मैं श्वेता बोल रही हूँ। कहिए। मानव जी, आपने मेरे फ्रेंड से प्यार क्यों किया है? प्यार करने के बाद जिंदगी में अगर कोई भी परेशानी आए तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी तो प्यार करने वाले इस दुनिया में अपने प्यार को पाके सच्चे प्रेमी कहलाते हैं। परेशानी तो आती जाती रहती है, उसके लिए प्यार का बलिदान नहीं देते हैं। जब लड़की भागने के लिए तैयार होती है तो लड़कों को भी उसे भगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप तैयार रहिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। हेलो। अरे शंकर। हाँ मालिक। आज क्या क्या काम हुआ? मालिक, आज प्रिंटिंग प्रेस से शादी के कार्ड पूरे आ गए, फिर कैटरिंग वाले का फोन आया, और फिर हेगलर का भी फोन आया। आते ही आपको फोन करने के लिए कहा। ठीक है। श्वेता, मानव का फोन आया था क्या? आया था, मैंने उसे बहुत सुनाया। I'm sorry, प्रिया, तेरा दर्द उसे भी पता चले इसलिए मैंने उसे रूटली बात की, बस। बुरा लगा क्या? श्वेता, ये बात तेरे अलावा इस घर में और किसी को पता नहीं है। तेरे प्यार के लिए मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। तुझे जो भी मदद चाहिए मैं करूंगी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी प्रिया। सुन, ठीक है, कल तो मेरे साथ चल, हम उसे ढूंढेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लिस्ट में 50 साड़ियां भी लिख दीजिए, रिश्तेदारों को देना होगा ना? इतना ही ना? जी, और 50 नारियल भी लिखिए। नारियल तो? शंकर, शंकर क्या हुआ? कोई काम ठीक से नहीं करता। शंकर जी, मालिक ये क्या है यहाँ? पेड़ पौधों को मारने वाली दवाई यहाँ क्यों रखी है? वो भी शादी के समय, तुम्हें समझ में नहीं आता? जा बागीचे में रख दे। हाँ हाँ, अभी रखता हूँ। एक काम भी ढंग से नहीं करता। पापा। हाँ बेटा। मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। क्यों बेटा, क्या हुआ? पता नहीं पापा, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी लेके आओ। इन्विटेशन के लिए पूजा करके कल से हमें बांटना भी है। श्वेता, इसका ख्याल रखना। पता नहीं किसने रखी और डांट कैसे पड़ती। कहाँ जा रही है तू? ओफो, चुपचाप चलना। लाइन डालकर फोन कीजिए, लड़के को लड़की मिल जाएगी। जिंदगी भर प्यार से रहिए, कभी छोड़कर मत जाइए। याद रखिए, क्योंकि लड़की का दिल दुखाना महापाप है। आगे चलकर लड़के की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ओहो भगवान। ए, 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 किसका फोन बज रहा है? निकालो निकालो निकालो, देखो किसका फोन बज रहा है, देखो निकालो। हेलो, आप ही का डब्बा बज रहा है, एक पानी वाला देना।
इतने दिनों तक आउटगोइंग, फर्स्ट टाइम इनकमिंग। हेलो हेलो हेलो, मैं इधर से पहाड़ सिंह बोल रहा हूँ। सर ये नंबर कहाँ का है? सर ये नंबर घूमता रहता है। सर प्लीज, सर ये नंबर कौन सी जगह का है प्लीज बता दीजिए। देखिए इस नंबर का कोई परमानेंट जगह नहीं है, ये दिन भर घूमते रहता है। आपका फर्स्ट टाइम फोन आया इसलिए बता रहा हूँ। ये नंबर शिवनगर का है। शिवनगर का? शिवनगर में कहाँ पर सर? आप शिवनगर में आकर फोन कीजिए, कहाँ पर है मैं बता दूंगा। ठीक है सर। पॉइंट डालिए, फोन कीजिए, लड़के को लड़की मिल जाएगी, लड़की को लड़का मिल जाएगा। कितने बच्चे हैं मैडम? दो हैं। दो हैं, इतने पर स्टॉप कर दीजिए ठीक है। नंबर कहाँ का है? शिवनगर का है। ठीक है, तू अपने पिताजी को बता दे कल हम शिवनगर जा रहे हैं शादी का कार्ड बांटने के लिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चल अब। क्या हुआ शंकर चाचा? हाँ? माँ और पापा कार्ड्स बांटने के लिए गए हैं, अगर वो जल्दी आ गए तो उनसे कहना कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को कार्ड्स बांटने के लिए बाहर गई हूँ। ठीक है कह दूंगा। प्यार करो प्यार करो प्यार करो, पति पत्नियों को जमकर प्यार करो। पापी पेट का सवाल है इसलिए कह रहा हूँ, मर्द लोग बुरा ना माने। हेलो सर, मैं हूँ, मैंने कल आपको फोन किया था। आप अभी कहाँ हैं? सर मैं अभी शिवनगर के बस स्टॉप पर हूँ। आप एक काम कीजिए, सीधा गांधी पार्क की तरफ आइए। कहाँ आना सर? गांधी पार्क। गांधी पार्क? गांधी पार्क, ठीक है सर। हाँ क्वाइन डालिए, फोन कीजिए। सर ये गांधी पार्क कहाँ आता है? सीधा जाके राइट लीजिए। थैंक यू सर, बाय। चल मैंने ही आपको फोन किया था। क्या बात है? सर मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो रोज आपके ही फोन बॉक्स से मुझे कॉल करता है, लेकिन वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, मैं कुछ भी नहीं जानती सर। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज बता दीजिए। देखिए इस कॉइन बॉक्स से बहुत सारे लोग फोन करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो किससे क्या बात कर रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। उस गधे का नाम क्या है? मानव। मानव है? कृतिका कुमार रेड्डी, शोभा, जया, रेणुका। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, इतने लोगों का नाम याद रखूंगा तो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन जाऊंगा। अगर वो आपके पास दोबारा आए तो उससे कहना कि उससे प्यार करने वाली लड़की वो उससे मिलने के लिए आई थी और वो अपनी जान दे देगी, अगर 5 दिनों के अंदर वो मुझसे नहीं मिला तो। आपको आपका प्यार मिल जाएगा, आप मरने की बात मत कीजिए, मैं जरूर बता दूंगा। जरा सुनिए, उनका नाम क्या है? प्रिया है। प्रिया? सुबह मिलना, दोपहर को प्यार होना और शाम तक प्यार खत्म होने की लव स्टोरी बहुत देखी है, ये फर्स्ट टाइम है। प्यार को ढूंढते हुए कोई आया है, हे भगवान इस लड़की का प्यार भरा दिल तोड़ मत देना। हाँ माय डियर स्टाफ, ये है मेरा बेटा, अगले हफ्ते ही इसकी शादी होने वाली है। हाँ वेंकटेश। हाँ सर। ये लीजिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये लो बेटी, सबको लेकर आना ठीक है। हाँ सर। शादी के दिन सबको छुट्टी दे देना। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके सर। डैडी। हम्म। मैं चलता हूँ, कुछ दोस्तों को कार्ड्स देने हैं। हाँ ये लो। बालू। हाँ? तुम्हारे दोस्तों को इनविटेशन कार्ड देने के बाद पुलिस स्टेशन भी चले जाना, वहाँ इंस्पेक्टर माथुर को भी एक कार्ड दे देना। मैं उन्हें बाद में फोन करके बता दूंगा। ठीक है। ये लो कार लेकर जाओ। कार नहीं चाहिए, मैं ऑटो में जाऊंगा। अरे बाबा कार लेकर जाओ ना। नहीं चलता हूँ मैं। ओके। प्रिया वो मोबाइल दे दो, इस मिस कॉल नंबर पे फोन करने से शायद मानो मिल जाए।
हेलो सर, मैं श्वेता बोल रही हूँ। श्वेता? हाँ सर। हाँ बोलो। सर आप किसी मानव को जानते हैं क्या? देखो मैडम, मैंने आदि मानव के बारे में तो सुना है, लेकिन किसी मानव के बारे में नहीं जानता। कुछ पता चला? कोई रॉन्ग नंबर था यार। नमस्ते मैडम, मैं आईसीआईसी बैंक से बोल रही हूँ। अगर आपको कोई लोन चाहिए। चल चलते हैं। कहाँ चलना है बताती हूँ ना। एक्सक्यूज मी। जी कहिए मैडम। एक हफ्ते पहले मुझे लोन के सिलसिले में आपके बैंक से फोन आया था। किसने फोन किया था? फोन किसने किया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कहा था कि वो आईसीआईसीआई बैंक से बोल रही है। अरे हम तो बैंक से कभी किसी लोन के लिए कॉल नहीं करते। एक्चुअली हमने कॉल सेंटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मोस्टली वहीं से कॉल आया होगा। मैडम आप बता सकती हैं वो कॉल सेंटर कहाँ है, वहाँ का एड्रेस दे सकती हैं मुझे? सॉरी, एड्रेस क्या है, किसने फोन किया होगा ये तो हमें भी पता नहीं। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बैठिए मैडम। जी कहिए। सर ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें एयरटेल का सिम कार्ड है। ये नंबर किसके नाम पर है ये देखकर आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं क्या? क्या मैडम, आप ही के पास मोबाइल है और आप ही एड्रेस पूछ रही है, नंबर बताइए। सर ये मेरा फोन नहीं है, दूसरे नंबर पर फोन लगाकर नंबर जानने के लिए इस फोन में एक रुपया बैलेंस भी नहीं है। सॉरी मैडम, किसी और के नाम पर लिया हुआ नंबर या एड्रेस हम इस तरह किसी को नहीं दे सकते। सर प्लीज सर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। प्रिया रो मत, चुप हो जा, सब लोग हमें देख रहे हैं। सर ये मोबाइल इसे रास्ते पर मिला था। अगर 5 दिनों के अंदर उस लड़के का एड्रेस इसे पता नहीं चल पाया तो इसकी शादी किसी और से हो जाएगी। जिंदगी भर ये अपने नसीब को कोसी रहेगी। सर उस लड़के का नंबर, उसका एड्रेस प्लीज ढूंढ के दीजिए सर। देखिए मैडम, इस नंबर पर जो एड्रेस है अगर आपको वो चाहिए तो आपको पुलिस स्टेशन से एक कंप्लेंट लेटर लाना होगा और उस लेटर में वो नंबर भी लिखा होना चाहिए। मैडम ये नंबर और एड्रेस मैं आपको ढूंढ कर देता हूँ, आइए मेरे साथ। आइए ना, आ जाइए। एयरटेल के 10 वाला रिचार्ज काट दो ना। हाँ देता हूँ, जल्दी करो। फोन दीजिए मैडम। देखना मैडम ये नंबर अब आपको मिल जाएगा। मैडम ये नंबर तो मेरे दोस्त मानव का है। मैडम आप चलिए मेरे साथ, समझिए वो मिल गया आपको। आइए आइए। मानव, ए मानव, मानव एक मिनट बाहर आना जरा। जी मैडम ये रहा आपका मानव। मानव? ए ए कौन है ये, आपको कौन चाहिए मैडम? मैं जिस मानव से प्यार करती हूँ वो आप नहीं है क्या? देखिए मेरा नाम मानवी है, लेकिन आप जिससे प्यार करती हूँ वो मैं नहीं हूँ। यार ये तेरा नंबर है ना? अबे ये मेरा पुराना नंबर है, डीएक्टिवेट हुआ था, कंपनी ने ये नंबर किसी और को दिया होगा। सॉरी मैडम, आप जिस मानव को ढूंढ रही हैं वो मैं नहीं हूँ, ये नंबर भी मेरा नहीं है। यहाँ पूछने से सब पता चल जाएगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? आप यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक दोस्त को इनविटेशन कार्ड देने आए हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर मेरे पापा का क्लोज फ्रेंड है इसीलिए पूछा। आप डरिए मत, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है। आइए बैठिए। क्या केस है? सर कोई केस नहीं है, मोबाइल नंबर का एड्रेस चाहिए था, उसके लिए कंप्लेन लेटर लाने के लिए कहा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। नंबर क्या है?
9980677710। ये किसका नंबर है सर? ये नंबर इस मोबाइल में है। मोबाइल भी यहाँ है, नंबर भी आप ही का है, तो फिर कंप्लेंट लेटर क्यों चाहिए? सर एक्चुअली ये मोबाइल मेरा नहीं है। मुझे रोड पर मिला था, मैं ये मोबाइल उसे लौटाना चाहती हूँ सर। कब मिला था? एक महीना हो गया सर। एक महीना हो गया और अभी तक मोबाइल वाले ने फोन ही नहीं किया? सर ये आप रखिए ना सर। आप रिश्वत दे रही हैं? किस बात के लिए? ये मोबाइल दे दीजिए, जिसका है वो फोन कर लेगा, मोबाइल पुलिस स्टेशन में है ये जानकर आकर ले जाएगा। चलिए उठिए, हम पुलिस वालों को आपने भिखारी समझ रखा है क्या? पैसे से आप पुलिस वालों को खरीद नहीं सकते। दोबारा यहाँ आने से पहले थोड़ा सोच समझ कर आना। हे 407, इन दोनों को बाहर निकालो। यस सर। अगर ज्यादा बात किया तो इनके पास से मोबाइल ले लो। ओके सर। बड़े आए रिश्वत देने वाले। ए, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं पता। ऐसे आदमी के लिए क्यों परेशान हो रही है तू? श्वेता, याद है 2 साल पहले हम दोनों कार से जा रहे थे और तब हमने किसी का एक्सीडेंट किया था, तुझे याद है? उसकी आंखों की नसें कट गई थी और वो बेचारा अंधा हो गया, और उसे जो संभाल रहा है उसी का नाम मानव है। श्वेता, वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, और अगर नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शंकर चाचा जी। मैम साहब, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मालिक सबको शादी के कार्ड बांटकर मंदिर में पूजा करके कल आएंगे कहकर गए हैं, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, पापा ने फोन किया क्या, मेरे बारे में पूछा क्या? नहीं मैम साहब, नहीं पूछा। श्वेता जी के घर से फोन आया था, इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है कह रहे थे, इसलिए इन्हें सुबह जल्दी भेजने के लिए कहा है। चल जल्दी। माँ, मैं श्वेता बोल रही हूँ। माँ माँ रो मत माँ, क्या हुआ सब कुछ बताओ माँ। पापा की तबीयत तो ठीक है ना? कौन सा हॉस्पिटल में है? उन्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं सुबह आ जाऊंगी, तुम डरो मत माँ। प्रिया, बचे हुए 6 रुपए भी खत्म हो गए। हेलो मैत्री। मानव, मुझे बस 10 मिनट तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुनोगे ना? बोलो ना मैत्री। इस दुनिया में लाखों करोड़ों प्रेमी हैं, लेकिन उनमें से सबकी शादियां नहीं होती, लेकिन मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मेरा यकीन करो मानव, तुम्हारा फोन नंबर एड्रेस जानकर तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे घर आने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही। मुझे कहीं दूर ले जाकर मुझसे शादी कर लो ना, तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हमारी शादी टूटने से घर वालों को तकलीफ जरूर होगी मानव, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। प्यार को प्यार से ही पाना चाहिए, जबरदस्ती से प्यार हासिल नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से पाना चाहती हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे अपना लो मानव। कल शिवनगर बस डिपो के पास मुझे मिलना मैत्री। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, बाद में क्या करना है ये देख लेंगे। ठीक है मानव, ठीक है। क्या कहा उसने? कल शिवनगर बस डिपो के पास बुलाया है, वहीं से कहीं दूर चले जाएंगे हम दोनों। अच्छा, तो फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें वहाँ छोड़ के मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। ठीक है। देर हो रही है, चल। हाँ
अरे ऐसे क्या देख रहा है मुझे, क्या हुआ? माँ, फ्रेंड्स को इनविटेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। माँ मुझे देर हो जाएगी, आप वेट मत करना। हाँ संभल कर जाना। सॉरी माँ, आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। माँ हाँ संभल कर जाना। कहाँ है, अभी तक नहीं आया? प्लीज श्वेता थोड़ी देर और वेट करते हैं ना। प्रिया मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलना। अरे तू कहाँ है यार, शिवनगर आकर आधा घंटा हो गया मुझे, यहीं पर डिपो के पास। क्या बे, कहाँ है पैसे? थोड़े दिन में दे दूंगा भाई। साले बहुत शाड़ा बनता है भाई, पैसे कब देगा? मार क्यों रहा? कितने दिनों का पैसे? इस महीने में देने वाला था। थोड़ा मुझे, अरे बोला ना दे दूंगा। नाटक करता हमसे, मारो साले को। पैसे निकाल, कहाँ है तेरा दूसरा तीसरा दोस्त, कहाँ है तेरा? बुला उसे, बहुत शाड़ा बना था। पैसे कब देगा? पैसे कब देगा? छोड़ो इसे, छोड़ो। ए, मैंने कहा था इस महीने पैसे दे दूंगा, मतलब दे दूंगा। पहले ये बता, हफ्ता कहाँ है? हफ्ता कहाँ पर है?
नहीं पड़ता। ए चलो रे, ए चलो रे, चलो बार में चलते हैं, जाकर मस्त पीते हैं, दर्द मिटाते हैं। रवि ये तू रख ले यार। ए इतने पैसे क्यों यार, कोई टेंशन चल रहा है क्या? कुछ नहीं यार। अच्छा छोड़, चल चलते हैं। चल थी तू। सॉरी पापा, सॉरी माँ, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड देना था ना, इसलिए लेट हो गई। ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे थे। जाओ खाना खा लो। पापा मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ खाना खा लिया है, आप सब खा लीजिए, मैं जाकर सोती हूँ। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ अपनी एक सहेली को मैं इनविटेशन कार्ड देना भूल गई, उसे ही देना है, एक घंटे में देकर आ जाऊंगी मैं, ठीक है? हल्दी की रस्म हो चुकी है, ऐसे में तू बाहर जाएगी, ये बहुत अशुभ होता है, तू उसे फोन करके बता देना। प्लीज माँ, मेरी सहेली के पास फोन नहीं है,
सिर्फ एक ही कार्ड है, जल्दी से उसे देकर आ जाती हूँ ना माँ। मैंने कहा ना बाहर जाना अशुभ होता है, मानती क्यों नहीं तू? क्या हुआ? देखिए ना, हल्दी की रस्म के बाद बाहर जाने की बात कर रही है। क्यों बेटी, ऐसा क्या काम है? पापा। अरे ये क्या बेटा, तुम रो क्यों रही हो? पापा ये एक इनविटेशन देकर आ जाऊंगी ना पापा, उसके बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलूंगी मैं। बस इतना ही? ठीक है चलो चलते हैं। सॉरी बेटा, शादी का बहुत काम पड़ा है, तुम ही चली जाओ, संभल कर जाना और जल्दी आ जाना, नहीं तो माँ को जानती हो ना। आइए क्वाइन डालिए, फोन कीजिए, क्वाइन डालिए, फोन कीजिए। क्या नाम है तेरा? क्यों, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, उससे तेरी शादी करवाऊंगा। कुंडली ही दे दूं क्या? अपना नाम बता। किशन का नहीं है तो जाकर राधा को ढूंढ, से घर जाकर आईने में अपना मुंह देख लेना बेवकूफ। ये किसकी शादी के कार्ड है? मेरी शादी का। आप हमेशा कहते थे ना, सच्ची मोहब्बत होगी तो प्यार करने वाले मिल ही जाते हैं। मैंने प्यार किसी और से किया, शादी किसी और से हो रही है। ए बालू, इस बॉक्स से फोन करने वाले किसी का भी लव फेल नहीं हुआ, तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। अभी आपको मजाक सूझ रहा है? अगर इस पहाड़ सिंह की बात फेल हो गई ना तो कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वो सब छोड़ो, ये बॉक्स मैं पानी में डाल दूंगा। हाँ बालू, यू नो आई एम वेरी एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम, हिंदी पढ़ने को नहीं आती ना, प्लीज टेल मी मंडप एड्रेस। सागर रोड के पास, वेंकटेश्वर मंडप। इतना कहने के लिए इतना बड़ा कार्ड, ऑल द बेस्ट, मैं जरूर आऊंगा। ए बालू, तुम्हारी प्रेमिका का नाम क्या है? मैत्री। मैत्री, उसका नाम क्या है? प्रिया है। मैडम आप रोइए मत मैडम, सब देख रहे हैं, आपको क्या हुआ मैडम? अब्दुल्ला, मुझे अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। कहते हैं कि मरने वाले की इच्छा पूरी होती है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए इस पेड़ पर चूड़ियां बांधने के लिए मैं दौड़ी चली आई। अब्दुल्ला, कल मेरी शादी है, लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे नहीं, माँ बाप ने जिसे पसंद किया है उससे शादी कर रही हूँ। अब्दुल्ला, इस पेड़ पर चूड़ियाँ बांधने से क्या सच में मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा? मैडम, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इस पेड़ पे जो चूड़ियाँ बांधता है उसकी इच्छा पूरी होती है मैडम, झूठ बोलकर कमाने वाली जगह नहीं है मैडम। भक्ति से चूड़ियाँ बांधिए, आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। उनको आपका प्यार नहीं मिला ना तो इस भगवान से, इस जगह से मेरा विश्वास उठ जाएगा मैडम। ये लीजिए मैडम। अब्दुल्ला ये लो। मैडम मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? मैं वहाँ जब तक आपसे नहीं मिलूंगा आप कुछ नहीं करेंगे मैडम, वादा करिए मुझसे। ठीक है अब्दुल्ला। हेलो। उस दिन तुमने मोबाइल मांगा था ना, मगर मैंने नहीं दिलाया, ये लो तुम्हारा मनपसंद मोबाइल। ये नया मोबाइल है और इसमें मैंने नया सिम भी डलवाया है, कल दोपहर के 12 बजे के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैत्री आज बस डिपो पर क्यों नहीं आई? कितनी बार मैंने फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, कहीं मैत्री ने कुछ गलत तो नहीं कर लिया? माँ माँ रुको एक मिनट, मैं आता हूं। हाँ,
मैत्री, मैंने आज दोपहर में तुम्हें कितनी बार फोन लगाया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैत्री जिंदा रही तो फोन जरूर उठाऊंगी और बात भी करूंगी, पर अगर मर गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं तुमको फोन करूंगा, मेरे फोन का इंतजार करना मैत्री, मैं कल 12 बजे तुम्हें जरूर फोन करूंगा। प्लीज मैत्री, थैंक यू। प्रिया? कहाँ चला गया था इतनी देर? जाने के समय ये सब क्या कर रहा है? हार ले, पहन ले। ये वेंकटेश का मंडप यही है क्या? क्यों, आपको पढ़ने नहीं आता क्या? ए, ए, मुझे नहीं आता, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ ना। आपका मुंह देखकर ऐसा नहीं लगता है। क्या रे? यही है, जाइए। तौर तरीका और परंपरा के अनुसार शादी करने वाले को लड़की पैदा होती है, और जो भागकर मंदिर में शादी करते हैं उन्हें लड़का पैदा होता है। ये सब लड़का लड़की जाने, मुझे इससे क्या। भोजन, भोजन कहाँ है भाई, चलो भोजन करें। ये क्या बदन में घिसने वाला सामान दे रहे हो? एक काम करो, बाहर गर्म पानी भी रखा है, जाके नहा लो। तुम्हें नहीं पता इसे क्या कहते हैं? भगवान कसम नहीं पता, मेरे घर में जिससे बदन घिसते हैं ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। मिठाई के बारे में पता नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब। थ्री जी क्या है पता है, फोर जी क्या है पता है, तेरी जात का चल भाग यहाँ से, मुझे अक्कल देने आया है, फोन खींच कर मारूंगा। मैत्री, आखिर तुम मुझे नहीं मिले ना मानव, आखिरी बार एक बात जानना चाहती हूँ, तुम मुझे जवाब दोगे ना? बोलो ना मैत्री। एक दुल्हन शादी होने के आधे घंटे बाद जहर खाकर मर जाती है, और उसके बाद टीवी पर और न्यूज़पेपर में उसकी खबर आती है, तो कम से कम तब तो तुम उसे देखने आओगे ना? नहीं मैत्री, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अगर दुनिया में प्यार करने वाले सारे कपल्स मिल जाते तो जरा सोचो, दुनिया में लोग अरेंज मैरिज करना ही बंद कर देते। मैत्री, अरेंज मैरिज में भी अच्छे लड़के मिलते हैं। मिलना, प्यार करना और बिना शादी के जुदा हो जाना, ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैत्री, कई कपल्स ने लव लाइफ को भूल कर शादी की है। तुम मुझे हमेशा याद आओगे, मैं तुमको याद आऊंगा। यादों के सहारे जिंदगी बीत जाएगी। मैत्री, तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा है, मैं तुमसे आज तक नहीं मिला हूं। मैं बस यही चाहता हूं मैत्री कि तुम जिंदगी भर मुस्कुराती रहो। अगर तुमने अपने साथ कुछ भी गलत किया ना मैत्री, तो तुम्हारे माँ, पिताजी, भाई, बहन सब रो रो के पागल हो जाएंगे। उन पर क्या गुजरेगी इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरी बात समझो। और वो लड़का जिसकी तुम्हारे साथ शादी हो रही है, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मैत्री, जरा सोचो तुम्हारे घर वालों की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। प्लीज, जानती हो सबसे बड़ा दर्द अपने प्यार को खोने से होता है। जुदाई से बड़ा और कोई दर्द नहीं हो सकता। तुम जानती हो इस दुनिया में अपनी मोहब्बत से जुदा होने पर 1000 में से 5% लड़कियों ने आत्महत्या की होगी। मैत्री, 1000 में से 15% लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने मोहब्बत में नाकामयाबी की वजह से सुसाइड कर लिया। मैत्री, अगर अपनी प्रेमिका से शादी करो तो माँ बाप हमें ब्लैकमेल करते हैं, माँ बाप की मर्जी से शादी करो तो लड़की मरने की बात करती है। ऐसी हालत में हम जैसे लड़के और क्या करें। मैत्री, एक तरफ माँ बाप होते हैं तो दूसरी तरफ
वो लड़की है जिससे लड़का प्यार कर रहा है। हर पल हर लम्हा न वो जी पाता है न मर पाता है, बस पागल हो जाता है। मैत्री, दुनिया में हर किसी को प्यार नहीं मिलता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई शादी से पहले जहर खाकर मर जाए। तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। ये फोन कॉल हम दोनों के बीच का आखिरी फोन कॉल है। तुम मेरे मोबाइल फोन को कहीं डस्टबिन में डाल देना मैत्री, मैं जब तक जीऊंगा तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं फोन रख रहा हूं, मरने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। इस फोन को तू अपने पास रख ले, सिम निकाल कर फेंक देना। दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, भगवान करे ऐसा न्योता मुझे रोज मिला करे। क्या कर रही हो? देखो देखो मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए ना प्लीज भैया। किसको? तुम किसी मानव नाम के लड़के को ढूंढ रही हो? मैं ही आई थी भैया, मैं ही थी। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, अब तुम्हारी शादी हो रही है, ये प्यार व्यार का चक्कर अब छोड़ दो। एक कदम भी गलत उठाओगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। मुझे एक कॉइन दे दो भैया प्लीज, मुझे एक फोन करने दो, इसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगी प्लीज भैया प्लीज एक कॉइन दे दो। उठो बोलो बोलो भैया, सिर्फ एक कॉइन दे दो, मैं इसके बाद कभी भी उससे बात नहीं करूंगी प्लीज भैया प्लीज। मेरी भी तुम्हारी तरह एक छोटी बहन है, तुम्हें भी अपनी बहन समझकर कह रहा हूँ, मत करो। भैया एक बार बात करने दो ना भैया प्लीज भैया, कसम से मैं दोबारा कभी उसे कॉल नहीं करूंगी। हे भगवान। ये लो, ठीक है, कर लो, रो मत। हेलो 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 मानव, मैं हूँ, मैं मैत्री। मानव? कौन मानव? हेलो मैडम,
लगता है आपने कोई गलत नंबर डायल किया है। अरे नहीं बाबा, अभी थोड़ी देर पहले मानव ने मुझे इसी नंबर से कॉल किया था। मानव नहीं होगा मैडम, शायद मेरे दोस्त बालू ने कॉल किया होगा। और वो आज नहीं मिलेगा क्योंकि आज उसकी शादी है मैडम। कहाँ पर? शिवनगर में। शिवनगर में कहाँ? सागर रोड है ना, वहाँ वेंकटेश्वर मंडप में हो रही है। वेंकटेश्वर मंडप में? हेलो, क्या हुआ बहन? भैया ये वेंकटेश्वर मंडप कहाँ आता है? पूछ कर बताता हूँ। क्या कहा तुमने? वेंकटेश्वर मंडप। वेंकटेश्वर मंडप तो यही है। हाँ, यही वेंकटेश्वर मंडप।